ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है। गेहूं के मंडीकरण के चलते सरकार कोरोना को लेकर काफी चिंतित दिखाई दे रही है, जिसके चलते सरकार के द्वारा जिला गुरदासपुर में हर बड़ी अनाज मंडी को सैनिटाइज करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन भेजी गई है, जो हर बड़ी अनाज मंडी को सैनिटाइज करेगी। इस मशीन के टैंक में 600 लीटर सैनिटाइजर भरा जाता है, जो एक टैंक के साथ एक समय में 4 एकड़ जगह को सैनिटाइज कर सकता है। यह मशीन कंप्यूटर तकनीक के इस्तेमाल के साथ काम करती है। वहीं जिले की हर बड़ी मंडी में इससे स्प्रे किया जाता है, ताकि मंडी में पहुंचने वाले लोगों और किसानों को कोरोना अपनी जकड़ में ना जकड़ पाए। वहीं मंडी अधिकारियों ने किसानों को अपील की है कि वे अपने गेहूं की फसल को अच्छे तरीके से सुखाकर मंडी में लाएं, ताकि ना तो किसानों को कोई मुश्किल आए और ना ही मंडी प्रशासन को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। प्राइम न्यूज 24 के लिए जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। ये जी PI कंपनी ने भेजी है, सैनिटाइजर की स्प्रे मार दी है जी इतने मंडियों च। मैं हबोर तो आया जी। किनिया मंडिया च हुण तक ये चला के आए हो? ये 4-5 मंडियां कढ के आया जी हजे ने। ते एक टैंक च किन्ना पैंदा ते टैंक दा किन्ना कवर करदी है एरिया? 4 एकड़ एरिया कवर करदी है, 600 लीटर पानी पैंदा जी। हां जी, कंप्यूटर सिस्टम है सारा जी। ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ? ਸਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਹੈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਬੋਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਅਬੋਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੜ ਹੋ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਧੂ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਫਸਲ ਵਢਾਉਣ 'ਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਵਢਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ।